ओम साई राम, नमस्कार। दिस इज साई पूजा फ्रॉम साई पूजा चैनल। बाबा की पवित्र भूमि शिरडी में हम साई भक्तों से मुलाकात करते हैं और अभी मैंने इंटरव्यू लिया और ये जो साई भक्त हैं, बाबा के बच्चे हैं, वो सुन रहे थे तो मैंने इनको भी रोक लिया। और हम नहीं करते, बाबा कराते हैं और बाबा चाहते हैं कि आप भी उनका गुणगान करें। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। सिद्धार्थ पाहुजा। सिद्धार्थ, कहाँ से हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से। बाबा ने कितने वर्ष हो गए आपको अपने आप से जुड़ा हुआ? 12 साल 14 साल। 12 साल 14 साल। तो आज इस वक्त आप शिरडी में बैठे हो जी, बाबा की नगरी में, बाबा का गुणगान करने वाले हो जी। तो पहली लीला बाबा ने कब और कैसे, क्या सिचुएशन थी, कैसा लगा, कैसे आपके जीवन में बाबा आए? बाबा मैं गीता भवन मंदिर के यहाँ गुड़गांव में रहता था, तो बाबा का वहाँ पर निर्माण हुआ मंदिर का। तो जब मैंने पहली बार बाबा को देखा तो मुझे बाबा की आँखों से ही प्यार हो गया। क्या बात है। तो महादेव, 2 मिनट शांति। तो मुझे बाबा की आँखों से ही मोहब्बत हो गई थी पहली बार जब मैंने बाबा को देखा। तो और आज का दिन है और वो दिन है, अब तो मेरे बाबा गुरु हैं। पहले मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि वो मेरे गुरु हैं, राइट। वो मेरे को हर रास्ता बनाते थे, मेरी हर मुश्किल का समाधान उनसे ही मिलता था। जो चीज़ मांगता था, जो काम बोलता था, जो जो भी बाबा से मैं अरदास करता था वो मेरी पूर्ण हो जाती। एग्जाम्पल, वेरी लेटेस्ट एग्जाम्पल, सो लास्ट ईयर सेम 2023 आई वॉज हियर एंड I got separated from my wife last year. मैं अपनी wife से separate हो गया। I mean, we started living separately. So I came here to pray to Baba कि Baba, and I was in a difficult state of, मतलब मैं mentally ठीक नहीं था उस time पे, क्योंकि मैं हम बहुत अजीब तरीके से अलग हुए थे। तो मैं इसी time पे last year Baba के पास आया था और मैंने Baba को आके बोला कि Baba please, मुझे अपना परिवार आगे बढ़ाना है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। उसका, मेरी वाइफ का नाम कनिका था। तो मैंने बोला बाबा को, बाबा मैं रहना चाहता हूँ कनिका के साथ, हो सके तो उसे वापस भेज दो मेरे जीवन में। तो सब कुछ हुआ, मैंने बहुत प्रे किया बाबा से। मैं 10 महीने तक मैं मिल नहीं पाया अपनी वाइफ से, वो अलग रह रही थी, मैं अलग रह रहा था। 10 महीने तक रोज़ बाबा के पास जाता था, रोज़ बाबा के पास, साईं का आंगन है गुड़गांव में, वहाँ बाबा के पास चरणों में जाता था और बोलता था कि हे बाबा कनिका को वापस भेज देना। फिर कनिका पर, फिर मैं जब पहली बार कोर्ट में कनिका के साथ मिला तो फिर मुझे पता लग गया कि वो मेरे लिए नहीं है। और उस दिन के बाद मैंने डिटैच होना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बाबा ने बता दिया था कि वो मेरे लिए नहीं है या मैं उसके लिए नहीं हूँ, तो हम अलग ही ठीक हैं। फिर धीरे धीरे बाबा ने मुझे एक हील करना स्टार्ट किया, उससे मुझे डिटैच करना स्टार्ट किया। और आज का दिन है, ये फरवरी की बात है जब मैंने डिटैचमेंट अपनी वाइफ से स्टार्ट की थी और मैं आज यहाँ पे नवंबर अक्टूबर में हम आ गए हैं। तो आज का समय है, पिछले साल में बाबा से प्रे कर रहा था, हे बाबा मुझे उसके उससे मिला दे, मेरे को उस साथ एक कर, प्रे करता था कि हम एक हो जाएं। और आज मैं बाबा को थैंक यू करता हूँ कि बाबा जो तू करता है वो बेस्ट है, जो हमारी सोच है वो इतनी है, जो तेरी सोच है वो बहुत दूर की है बाबा। दो अलग एनर्जीज कभी साथ रह ही नहीं सकती। तो मेरे गुरु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हे मेरे गुरुनाथ, हे मेरे गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू बाबा। बाबा हर कण में है, हमारे हर क्षण में है। और बाबा एक फ्रेंड है, बाबा एक ब्लेसिंग है, बाबा सब कुछ है। बस बाबा की नज़रों में देखो, तुम्हें प्यार हो जाएगा। तुम्हें पता है कि लोगों को मैसेज मैं बहुत टाइम से मैं लाइव में भी देती आई हूँ, क्योंकि जो मैं जानती हूँ, जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं वो जानते हैं, जो आपके लिए बेहतर होता है बाबा वही करते हैं जी। मगर लोग समझते नहीं है, कई लड़कियों के मुझे कॉल आते हैं, पीछे भाग रही हैं अपनी मोहब्बत के जी। उनको लगता है कि जो बाबा कर रहे हैं वो शायद उनके लिए ठीक नहीं है जी। बहुत ये मैसेज तुम्हारा बहुत ही यूनिक मैसेज है, शायद लोग सुने। और बहुत जो मैं चाहती हूँ, तुमने एक एक्सपीरियंस से बताया, बहुत सारी लड़की है कि जो, और बहुत सारे लड़के भी हैं जो नहीं राजी हैं माँ बाप आप कर रहे हो, या
पेरेंट्स या लड़की नहीं राजी आप भाग रहे हो, लड़का नहीं राजी आप भाग रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथों में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, टोटली सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ये। और सृष्टि पे छोड़ दो, जो यूनिवर्स चाहता है वो होने दो। यूनिवर्स के बीच में अगर आप आओगे, आप अपने ही लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। सो यूनिवर्स को यूनिवर्स का काम करने दो, बाबा को बाबा का काम करने दो, बस प्रे करो कि। और सबसे इजी तरीका है, 11 रुपए लो, एक नारियल लो और बाबा के चरणों में रख दो, हे बाबा मैं तुझे ये प्रॉब्लम अपनी सरेंडर करता हूँ, जो मेरे लिए बेहतर हो वो कर दियो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बस अच्छी बात है। इसके बाद बाबा डोर पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे मुंह पे सदा एक स्माइल रहेगी, एक प्यार रहेगा, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ यू, एवरीथिंग दैट यू नीड, एवरीथिंग दैट यू एस्पायर फॉर, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस इन लाइफ। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द जर्नी, ट्रस्ट बाबा, ट्रस्ट महादेव, जस्ट सरेंडर। क्या बात है, दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू से फॉर बाबा। बहुत अच्छा मैसेज मैंने आपसे, मैं कहती हूँ ना क्या संदेश देना चाहते हैं, आपने कुछ नहीं बोलने दिया और आपने सब बोल दिया, बहुत अच्छा मैसेज। और अभी पहले की लाइफ और आज की लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आपकी हुआ जी, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो गई है, सही गलत में पहचान हो गई है, लोगों के पीछे नहीं भागना, किसी को प्लीज नहीं करना लाइफ में, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा, वरना बाबा उस इंसान को, उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को तुम्हारी लाइफ से एलिमिनेट कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। सो द बेस्ट विल हैपन फॉर यू, ट्रस्ट बाबा। बहुत अच्छी बात है, ओम साई, बहुत अच्छी बात है। तो जिनको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा है और उसके विचार अच्छे लगे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, 9918073846 पर कमेंट करें, अपने एक्सपीरियंस भेजें। हमारा उद्देश्य हर घर साई, घर घर साई, पूरे विश्व में बाबा के नाम का डंका बजे, हम यही चाहते हैं हर साई भक्त के मुख पर 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, बस यही होना चाहिए, हर घर में साई का नाम होना चाहिए। ओम साई राम, जय साई।